Hello everyone and a very warm welcome to शिक्षा। So guys, social security in India की प्लेलिस्ट में आज जो स्कीम हम करेंगे that is your मिशन सक्षम आंगनवाड़ी and पोषण 2.0। तो ये न्यूज़ में था एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसमें से आप MCQ एक्सपेक्ट करके चलिए। और मैंने आपको पहले भी बोला जो ये सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की वेरियस स्कीम्स हम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आपके करंट अफेयर्स का पार्ट भी है, ठीक है। तो इसको आप दोनों को अलग अलग मत देखिए, ऑलराइट। तो करंट अफेयर्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इनके अंदर जो बीच में डिस्टिंक्शन आ जाती है वो बहुत लो होती है, जो डिफरेंस होता है ना, ठीक है। तो करंट अफेयर में कर लो या इसको सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के अंदर कर लो, दोनों के अंदर जो है वो होगा ये, ओके। एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू द स्कीम, यूट्यूब की जो भी लेक्चर्स हैं उसके PDF फाइल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये MCQ कॉम्बो कोर्स ज़रूर लेना है। इसके अंदर ना मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और गैप के तो MCQs हैं ही, ठीक है। साथ ही साथ ना मैंने इसमें ऑलरेडी इंश्योरेंस के भी 3 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन का हमारा एक टेस्ट होता है, 3 टेस्ट यानी कि 90 क्वेश्चन इंश्योरेंस के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अराउंड आप ये लगा लो 30-40 क्वेश्चन अभी इंश्योरेंस के और अपलोड करूँगा। और जब ये इंश्योरेंस के क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली आज अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग ऑडिटिंग के MCQs, ठीक है। तो ऑडिटिंग के MCQs को भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये MCQ कॉम्बो कोर्स अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये कॉम्बो कोर्स लेते हो ना तो आपको PDF फाइल्स के लिए अलग से एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और 50% ऑफ है यूजिंग द कोड UPSC EPFO, ओके। नाउ विल क्विकली स्टार्ट विद द न्यूज़। तो बेसिकली ये न्यूज़ में था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू किए थे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो स्कीम की बात करें तो बेसिकली 2021-22 में भारत सरकार ने बोला कि जो हमारी पुरानी स्कीम है जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जिसको आप ICDS बोलते हो और पोषण जो आपका था प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है, इसको हम बेसिकली रिस्ट्रक्चर करेंगे इनटू सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के अंदर इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। जो रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम होगी उसके अंदर ये सब स्कीम्स की फॉर्म में अब आ जाएंगी, ICDS, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स और नेशनल क्रेच स्कीम, तो ये सब स्कीम्स बन जाएंगी। फंडिंग की अगर हम बात करें तो पोषण 2.0 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट्स की दोनों की पार्टिसिपेशन रहती है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। कॉस्ट शेयरिंग रेशियो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसमें एक और फीचर है पोषण ट्रैकर का, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक सेंट्रलाइज डाटा सिस्टम बनाया गया है जिसको अनमोल पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का उसके साथ लिंक कर दिया गया ताकि जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी एडिक्वेट ट्रैकिंग इसके अंदर हो सके। विजन क्या है इन प्रोग्राम्स का? बेसिकली माल न्यूट्रिशन को डील करना, स्पेशली जो चिल्ड्रन अप टू 6 इयर्स ऑफ एज है, 6 या 6 से छोटी के जो उम्र के बच्चे हैं, एडोलसेंट गर्ल्स 14 से 18 के बीच में, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो हैं उनमें जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको डील करना। और क्योंकि इंडिया के अंदर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो अगर हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना है, हमारी यंग पॉपुलेशन जो आने वाली है या जो अभी प्रेजेंटली है अगर हमें उसका फ़ायदा उठाना है, तो जो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है उसका 2/3 हिस्सा वुमेन और चिल्ड्रन है। तो अगर ये हेल्थी नहीं होंगे तो क्या हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंडिया की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कमिटमेंट है उसको भी हमें अचीव करना है। स्पेशली अगर आप देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो जीरो हंगर की बात करता है या SDG 4 जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, तो दोनों को बेसिकली ये अचीव करने में हेल्प करेंगे आपके मिशंस, ओके। तो न्यूट्रिशन भी हो गया, चाइल्ड केयर भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया और वुमेन एम्पावरमेंट भी एक तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें पोषण 2.0 की, एक तो देखो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो मैंने आपको बोला है अल्टीमेटली कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर फ़ायदा उठाना है तो वो बंदे अपने पास तैयार होने चाहिए ना, हेल्दी होने चाहिए, तभी तो वो काम करेंगे। माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, जो न्यूट्रिशन अवेयरनेस है, अच्छी ईटिंग हैबिट्स जो हेल्थ और वेलबींग दोनों को इनकरेज करे एक सस्टेनेबल वे में, उसको इनकरेज करना। न्यूट्रिशन रिलेटेड जो डेफिशिएंसीज हैं उसको फुलफिल करना। इसके अंदर फूड फोर्टिफिकेशन की जब हम बात करते हैं जिसके अंदर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, ओके, वो आ जाता है। साथ ही साथ जो आयुष सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, उसको पोषण 2.0 के साथ इंटीग्रेट करना। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के थ्रू 6 महीने से 6 साल के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, क्योंकि हमारा जो फूड होता है ना उसको ऐसा नहीं है कि सिंगल एक न्यूट्रिएंट में अगर फूड रिच है तो उससे हमारी बॉडी अच्छी ग्रो करेगी, नहीं, उसमें जो वेरियस न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए वो सब होने चाहिए। ओके, साथ ही साथ एडोलसेंट गर्ल्स की अगर हम बात करें 14 से 18 साल की उम्र में, स्पेशली एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनको उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। ओके, उसके बाद जी आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपडेट करना है, क्योंकि आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे प्रोग्राम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अल्टीमेटली आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी बनाना है, ताकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल करने में सफिशेंट हो। और पोषण अभियान जो बेसिकली एनेमिक डिजीजेज जैसी जो बच्चों के अंदर और महिलाओं के अंदर दिक्कत देखी जाती है उसको डील करने में हेल्प करेगा। अब गाइडलाइंस रिसेंटली मिनिस्ट्री ने क्या इशू किए थे जो जिसकी वजह से ये स्कीम न्यूज़ में थी। सबसे पहले तो स्कीम बोलते ही है सरकार की इट इज़ ओपन टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज, ठीक है। एक प्री कंडीशन क्या है, दैट बेनिफिशरी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एट द नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर विद आधार आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आप एलिजिबल हो तो स्कीम में आप जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना आधार, अपना आंगनवाड़ी सेंटर पे जाकर के, ठीक है, आधार आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करके। ओके, एंड द बेनिफिशरीज फॉर द स्कीम विल बी एडोलसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18। ओके, और स्टेट्स इसको बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेट्स को छोड़ा गया, स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया। आयुष को यूज़ करना है और स्पेशली योगा की जो हेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट करना है विद योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ओके, और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो भी हाउस होल्ड्स और फैमिलीज़ को एनकरेज करें कि वो योगा को अपनी डेली रूटीन के अंदर प्रैक्टिस करें। आयुष मिनिस्ट्री टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एंड एफर्ट्स होने चाहिए कि 100% जो है जो भी चिल्ड्रन हु आर टू बी कवर्ड अंडर द स्कीम उनको कवर किया जाए, कोई भी रह ना जाए। साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स जैसे कि जैगरी जिसको आप गुड़ बोलते हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ इंडिजीनियस प्लांट्स जैसे कि मोरिंग, ठीक है, जिसको ड्रमस्टिक भी हम बोलते हैं, ये ऐसी आइटम्स हैं जो एक इंसान की कंजम्पशन के अंदर बहुत छोटी क्वांटिटी में आपको इसको कंज्यूम करना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम करेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में इसको आप कंज्यूम करना होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी, उसकी इम्यूनिटी वगैरह को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। तो सरकार कह रही है इन आइटम्स की जो कंजम्पशन है उसको भी आप एनकरेज करें। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज योर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 अभियान। इसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है, क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, छोटे छोटे पॉइंट याद रखने होते हैं, कौन से स्कीम्स को सब्स्यूम किया गया है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली सेक्टरल स्कीम है, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज कौन करेगा, गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या पॉइंट थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर रहते हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।